नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 महिलाओं को प्रदान किए नारी शक्ति पुरस्कार। पुरस्कृत होने वाली हस्तियों में देहरादून निवासी पर्वतारोही जुड़वा बहने ताशी नुंगशी भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिलाओं से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं को दी शुभकामनाएं। महिला दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन सौंपा 7 महिलाओं को। कश्मीर की आरिफा बोली, परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ने से मिलती है आश्चर्यजनक उपलब्धियां। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के पोषण पखवाड़ा 2020 का किया शुभारंभ। मंत्रालय के शुभांकर सरूली बुआ का भी किया लोकार्पण। प्रदेश भर की महिलाओं को दी शुभकामनाएं। और जल्द आएगी नई शिक्षा नीति। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले, नई नीति में होगा ज्ञान और विज्ञान का समावेश। उत्तराखंड में शीघ्र स्थापित होगी अटल अकेडमी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति, समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार पाने वालों में 103 वर्षीय धाविका मान कौर, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट मोहना सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी, किसान पडाला भूदेवी और वीना देवी, शिल्पकार आरिफा जान, पर्यावरण कर्मी चामी मुर्मू, उद्यमी नीलजा पांगमो, मोटर वाहन अनुसंधान पेशेवर रश्मि ऊर्ध्वर्देशे, राजमिस्त्री कलावती देवी शामिल हैं। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती और 98 वर्षीय कात्यायनी अम्मा, जिन्होंने 2018 में साक्षरता परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था, नारी शक्ति पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। एक अन्य पुरस्कार विजेता 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए दिल्ली नहीं आ पाई। के साथ ही उत्तराखंड के लिए भी आज खास वर्ग का दिन रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिन हस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें देहरादून निवासी जुड़वा पर्वतारोही बहने ताशी और नुंगशी मलिक शामिल हैं। एवरेस्ट समेत सातों महाद्वीप की 7 सर्वोच्च चोटियों को फतह करने वाली ताशी नुंगशी ने अपने नाम कई कीर्तिमान किए हैं। वे एवरेस्ट विजेता पहली जुड़वा बहने भी हैं। उन्होंने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी, जिसमें एवरेस्ट भी शामिल है, की फतह के साथ साथ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की स्कीम पूरी की। वहीं राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार पाने वाली महिलाओं से शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। देहरादून निवासी पर्वतारोही बहनों ताशी और नुंगशी मलिक से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप दोनों बहनें साथ बाहर जाती होंगी तो लोगों को गलती हो जाती होगी। इससे माहौल में कुछ पल के लिए सभी की हंसी घुल गई। बहने बाहर जाती है तो सब लोगों को गलती हो जाती होगी। नमस्कार सर, मैं नुंगशी से 21 मिनट बड़ी वाली जुड़वा, लास्ट टाइम भी ऐसी परिचय दिया था। 2015 में मैंने और ताशी ने अपना फाउंडेशन खोला था ताकि एडवेंचर में लड़कियों को हम थोड़ा और उत्साहित करें और उनको इस फील्ड में थोड़ा और आगे लेके आए, क्योंकि अभी भी आउटडोर इंडस्ट्री में इट्स ऑल मेल डोमिनेटेड, सारे मर्द का कंपनी है, दे ऑल हैव देयर ओन कंपनीज। हम लोग चाह रहे हैं जितनी भी महिला हैं उनके थ्रू वी मेक ग्रुप्स वे दे बिकम लीडर्स एंड गाइड्स। और क्योंकि अब क्लाइंबिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है, हम टैलेंट हंट कर रहे हैं विद इन इंडिया टू ट्रेन गर्ल्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड एरिया सर, सो दैट इज आर बिगर गोल। और हम चाह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग बेयर ग्रिल्स जैसे बने, क्योंकि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं दे लुक अप टू अस फॉर इंस्पिरेशन, और हमें लगता है हमारी इंस्पिरेशन वहीं से शुरू होती है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी हम डैड डॉटर का एक टेलीविजन शो करें जिसमें चैलेंज सर्वाइवल से रिलेटेड उनको इंकरेजमेंट मिले थ्रू द शो। बट हमारा यही था सर, एक्चुअली हम लोग पैदा नहीं हुए थे सोच के कि हम माउंटेनियर्स बनेंगे। हमारा बिल्कुल डिफरेंट इंटरेस्ट था, वो तो बिकॉज पापा को लगा कि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं
और पहाड़ चढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें सीखने को मिलते हैं जो बुक्स नहीं सिखाते हैं। तो हम लोग मैं नुंशी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि हमने इतना यू नो अवार्ड्स लाए हैं इंडिया के लिए। इनफैक्ट बाहर देश तो ये बहुत रिकग्नाइज्ड है, तो हमें प्रधानमंत्री चाहे वो न्यूजीलैंड के हों या आइसलैंड के, उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लड़कियों के लिए, हम उनको ये बताना चाहते हैं अगर हम चढ़ सकते पहाड़ तो आप अपना पहाड़ चढ़ सकते हैं एंड नथिंग इज़ स्मॉल। तो हमारा यही मकसद है एंड हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये अवार्ड जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला है उसके तहत और भी लड़कियां को एनकरेज मिले और वो अपने पहाड़ों को चढ़े एंड उनको भी मोटिवेशन मिले। बहुत बधाई, शुक्रिया, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने आज साइन ऑफ किया और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिन भर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली 7 महिलाओं ने अपनी जीवन यात्रा को साझा किया। प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करते हुए कश्मीर से नमदा दस्तकार आरिफा ने ट्वीट किया कि उन्होंने हमेशा कश्मीर की शिल्पकला परंपरा को फिर से जीवित करने का स्वप्न देखा था क्योंकि इससे स्थानीय महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। आरिफा ने कहा कि जब परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ा जाता है तो आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। मेरा नाम आरिफा है, मैं श्रीनगर कश्मीर से रिलेट करती हूँ। हमने क्राफ्ट मैनेजमेंट किया तो हमें फिर विजिट्स के लिए ले जाते थे आर्टिजन्स के घरों में, तो आर्टिजन्स की हालत देखकर और उनका जो समस्या प्रॉब्लम्स जो थी, जैसे कि हमारा क्राफ्ट डाई हो रहा था और हमारे आर्टिजन छोड़ रहे थे, उनके पीछे जो वजह थी वो यही थी कि आर्टिजन को सही वेज मिल नहीं पा रही थी और जो हमारा क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बहुत उसकी इमेज डैमेज हो चुकी थी। मुझे जो भी करना है कश्मीर के ही करना है और मैं कश्मीर में रहकर ही करूँगी। फिर रिवाइवल ऑफ नमदा मैंने चूज़ किया। हमारे यहाँ बहुत सारे क्राफ्ट जो है वो लैंग्विशिंग क्राफ्ट माने जाते हैं, उनको 50 रुपीज़ पर डे वेजेस मिलती थी और लेडीज़ वो तो करने के लिए तैयार ही नहीं। फिर उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसको एक्सपोर्ट भी 98% से वो 2% पहुंच गया था। नमदा हमारे यहाँ जो मैंने रिवाइव किया है वो हमारे यहाँ वूलन सेल्टेड का कारपेट होता था, तो रिसेंटली फिर हमने 25 आर्टिजन्स लेडीज़ का जो पर्टिकुलरली लेडीज़ का ग्रुप है आरी एम्ब्रॉयडरी का, उनका लिया और 28 लेडीज़ जो पश्मीना स्पिनिंग करती है, तो ये सब 5 years इन 7 सालों में मैंने इतना एक्सटेंड किया। नई जनरेशन जो भी है उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि जॉब ढूंढने से बेहतर है कि जॉब क्रिएशन में वो काम करें। आज प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विविध आयोजन हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पोषण अभियान के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के पोषण पखवाड़ा 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मैस्कट सरुली बुआ का लोकार्पण भी किया। ये शुभंकर उत्तराखंड की संस्कृति व स्थानीय खाद्यान्नों को दर्शाता है और कुपोषण को जड़ से खत्म करने को प्रेरित करता है। 22 मार्च तक चलने वाले पोषण पखवाड़े में कुपोषण से मुक्ति के लिए अनीमिया प्रबंधन, डायरिया से बचाव, साफ सफाई और पौष्टिक आहार पर आधारित गतिविधियां संचालित होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। बहनों नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हर महिला दिवस पर हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम तरह की गोष्ठियां करते हैं और सरकारें महिलाओं की मजबूती के लिए तरह तरह की योजनाएं भी संचालित करते हैं। उत्तराखंड की आपकी सरकार ने भी अनेक योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए, जो हमारी बालिकाएं हैं उनके कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेक योजनाएं लागू की हैं। आप उन योजनाओं का लाभ लें और सरकार का जो लक्ष्य है कि महिलाएं और पुरुष दोनों का राज्य के विकास में बराबरी का योगदान हो, ये तभी हो सकता है जब हमारी बेटियां खूब पढ़ें लिखें
अच्छी सेवाओं में जाएं, अच्छे काम करें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति जल्द आएगी। भारत केंद्रित इस नई शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान पर भी जोर दिया गया है। डॉ. निशंक आज देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधियां वितरित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 33 वर्षों के बाद आ रही है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान का समावेश होगा। हमारी दौड़ अब पूरे विश्व के रैंकिंग के लिए है और जो हमारी नई शिक्षा नीति अभी आ रही है वो नवाचार से युक्त होगी, शोध अनुसंधान से युक्त तो होगी, नई प्रौद्योगिकी के आधार पर जो भारत केंद्रित शिक्षा नीति होगी वो पीछे का ज्ञान और वर्तमान का विज्ञान दोनों को जोड़ करके ये हिंदुस्तान फिर विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने की दिशा में जो उसकी मार्ग को प्रशस्त करेगी। 33 वर्षों के बाद आने वाली ऐसी शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है बहुत जल्दी देश के सामने होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में जल्द ही अटल एकेडमी की स्थापना की जाएगी। डॉ. निशंक ने इस अवसर पर सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जो अटल एकेडमी है वो उत्तराखंड में बहुत जल्दी स्थापित होगी। वो मैं समझता हूँ तकनीकी क्षेत्र में और जो नवाचार के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से आगे वो बढ़ेगा। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम उस हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड की उस धरती से हैं जहाँ पूरी दुनिया के लिए यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की कहावत शुरू होती है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर राज्य की स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों की स्कैनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार ने चीन और नेपाल से लगी प्रदेश की सीमाओं को पहले से ही अलर्ट पर रखा है। सर, भारत सरकार बहुत ही गंभीर है। पहले क्या हो रहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइना की फ्लाइट्स को देखा जा रहा था, अब सभी फ्लाइट्स मॉनिटर हो रही हैं और स्ट्रिक्टली मॉनिटर हो रही हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो उत्तराखंड में इंटरनेशनल फ्लाइट का कोई एयरपोर्ट नहीं है तो कम उम्मीद है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, प्रॉपर चेकिंग से ही यहाँ पर आएगा। और यदि आता भी है तो कोई मॉब आती भी है तो हमारी सर्विलेंस टीम है, उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटर कर लेंगे उसको। रंग पर्व होली को अब महज एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में उमंग और उल्लास के त्योहार की रंगत चारों ओर बिखेरने लगी है। राजधानी देहरादून में जगह जगह होलिका लगाई गई है और सांस्कृतिक आयोजनों का सिलसिला तेज हो गया है। बाजारों में भी होली की खरीदारी जोरों पर है। वहीं कुमाऊनी खड़ी और बैठकी होली का सिलसिला भी तेज हो गया है। होलियारों की टोली एक स्थान से दूसरे स्थान तक होली गायन और परंपरागत नृत्य करते नजर आ रही है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 महिलाओं को प्रदान किए नारी शक्ति पुरस्कार। पुरस्कृत होने वाली हस्तियों में देहरादून निवासी पर्वतारोही जुड़वा बहने ताशी नुंगशी भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिलाओं से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं को दी शुभकामनाएं। महिला दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन सौंपा 7 महिलाओं को। कश्मीर की आरिफा बोली, परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ने से मिलती है आश्चर्यजनक उपलब्धियां। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के पोषण पखवाड़ा 2020 का किया शुभारम्भ। मंत्रालय के शुभांकर
सरुली बुआ का भी किया लोकार्पण, प्रदेश भर की महिलाओं को दी शुभकामनाएं। और जल्द आएगी नई शिक्षा नीति, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले, नई नीति में होगा ज्ञान और विज्ञान का समावेश। उत्तराखंड में शीघ्र स्थापित होगी अटल अकेडमी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।